हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, 2022 से ही डीयू के अंदर जितने भी यूजी कोर्सेज हैं उन सभी के एडमिशन सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पे हो रहे हैं। लेकिन इस साल से यानी कि 2023 से जितने भी यूजी कोर्सेज हैं उनके एडमिशन तो सीयूईटी के स्कोर के बेस पे होंगे ही, जितने भी पीजी कोर्सेज हैं उन सभी के एडमिशन भी सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पे ही किए जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम डीयू के अंदर जितने भी पीजी कोर्सेज हैं उन सभी में किस तरह से एडमिशन किए जाएंगे उसके बारे में कुछ डिटेल्स जो है इस वीडियो के अंदर देखेंगे। इसके अलावा एक नोटिफिकेशन भी डीयू की तरफ से रिलीज किया गया, उस नोटिफिकेशन में क्या मेंशन किया गया वो सारी डिटेल्स भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो नोटिस आपको मिलेगा कहाँ पे, आप इस वेबसाइट पे आओगे admission.uod.ac.in, इसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट से आपके सारे एडमिशन की जो डिटेल्स हैं वो आपको, डीयू की जितने भी एडमिशन की डिटेल्स हैं वो आपको इसी वेबसाइट पर देखने को मिलेगी। यूजी के एडमिशन के लिए भी, पीजी के एडमिशन के लिए भी, इसके अलावा पीएचडी वगैरह के एडमिशन की सारी डिटेल्स आपको इसी वेबसाइट पर देखने को मिलेगी। इसमें आप नीचे जाओगे तो आपको एक प्रेस रिलीज का सेक्शन मिलेगा, प्रेस रिलीज पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन 2023-2024। तो इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये आपके पास प्रेस रिलीज जो है खुल के आ जाएगा। अब इस प्रेस रिलीज में जो मेन बात लिखी गई है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर डिटेल में हम इसके अंदर जो पॉइंट्स लिखे गए हैं उसके डिस्कस करेंगे। देखो मेन बात यहाँ पे आप ये समझो, डीयू के अंदर पीजी लेवल पे यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी रेगुलर कोर्सेज हैं और जितने भी एनसीवेब के कोर्सेज हैं उन सभी के एडमिशन सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पे होंगे। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, डीयू में जितने भी रेगुलर कोर्सेज हैं पीजी के या फिर जितने भी एनसीवेब में कोर्सेज हैं पीजी के उन सभी के एडमिशन आपके सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पे होंगे। लास्ट ईयर तक जो आपके 50% सीट्स जो है वो एंट्रेंस बेस पे होते थे, 50% आपके मेरिट बेस पे होते थे। अब मेरिट बेस पे कोई भी एडमिशन्स नहीं होंगे, सारे रेगुलर के कोर्सेज और आपके जितने एनसीवेब के कोर्सेज हैं उन सभी के 100% एडमिशन आपके सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पे होंगे। इसके अलावा जो एसोल के एडमिशन है, एसोल के एडमिशन लास्ट ईयर एंट्रेंस और मेरिट दोनों के बेसिस पे होते थे, लेकिन इस साल से एसोल में एडमिशन लेने के लिए आपको कोई भी एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है। आपके जो ग्रेजुएशन में मार्क्स होंगे यानी कि आपकी जो क्वालिफाइंग डिग्री है उसके अंदर जो आपके मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे आपको एसोल के अंदर पीजी कोर्सेज में एडमिशन दिया जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने क्वालिफाइंग क्राइटेरिया वहाँ पर फुलफिल कर दे तो आपको एडमिशन मिल ही जाएगा। वहाँ पर आप एक तरह से आप मान सकते हो कि एसोल के अंदर आप मेरिट क्राइटेरिया लग गया है कि जिन स्टूडेंट्स के ज़्यादा परसेंटेज होंगे, ज़्यादा मार्क्स होंगे ग्रेजुएशन के अंदर, उनको पहले एडमिशन मिलेगा। उसके बाद अगर सीट्स बचती हैं तो कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सारी डिटेल्स जो आपको इस पर्टिकुलर प्रेस रिलीज के अंदर मेंशन की गई है। बाकी हम पॉइंट बाय पॉइंट इसको डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या इसके अंदर मेंशन किया हुआ है। द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अनाउंस एडमिशन पॉलिसीज फॉर इट्स पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर द अकेडमिक ईयर 2023-2024, यानी कि 2023-2024 के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन आपके होने वाले हैं उसके सारी जो पॉलिसीज हैं वो इसके अंदर मेंशन की गई हैं। ऑल कैंडिडेट्स हु आर डिजायरियस टू सीकिंग एडमिशन टू द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ यूनिवर्सिटी मस्ट अपियर इन द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट 2023 टू बी कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ओनली द स्कोर्स ऑब्टेंड इन द सीयूईटी पीजी विल बी कंसिडर्ड फॉर द एडमिशन टू द अकेडमिक ईयर 2023-2024। यानी कि जितने भी पीजी कोर्सेज हैं उन सभी में एडमिशन के लिए, दोबारा से मैं रिपीट कर दूं, रेगुलर और एनसीवेब के कोर्सेज की बात हो रही है, एसएल में जो है आपको एंट्रेंस नहीं देने की जरूरत है। आपको एसएल में आपको एडमिशन लेना है तो आपको सीयूटी पीजी देने की जरूरत नहीं है। तो जितने भी रेगुलर और एनसीवेब के कोर्सेज है उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको सीयूटी पीजी का फॉर्म फिल करना होगा और इसका एग्जाम जो आपका एनटीए के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। सीयूटी पीजी में जो आपका स्कोर होगा उसी स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। बिफोर अपेयरिंग इन सीयूटी 2023 कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दे फुलफिल द प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी। दे मस्ट रेफर टू द यूनिवर्सिटी पीजी बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन पब्लिश ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट admission.uod.ac.in टू सेलेक्ट द सीयूटी टेस्ट पेपर्स एज पर द रिक्वायरमेंट इन द स्पेसिफिक प्रोग्राम। दे मस्ट ऑल्सो रेफर टू द सिलेबस ऑफ द सीयूटी पेपर्स अवेलेबल एट द एनटीए वेबसाइट cut.nta.nic.in। अब देखो सिंपल सी बात यह है कि जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, चाहे आपको LLB में एडमिशन लेना है, BEd में एडमिशन लेना है, MA में एडमिशन लेना है, MCOM में एडमिशन लेना है, MSc में एडमिशन लेना है या किसी भी और कोर्स में एडमिशन लेना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो डीयू का प्रोस्पेक्टस है वो आपको डाउनलोड कर लेना है, या कहें डीयू का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो आपको डाउनलोड करना है। ये कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, आप इसी वेबसाइट पे आओगे admission.uod.ac.in और यहाँ पे आप देखोगे बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन का यहाँ पे सेक्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको यूजी का भी बुलेटिन मिल जाएगा और पीजी का भी मिल जाएगा। आपको पीजी वाला डाउनलोड करना है। आपका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, एक मिनट रुको, ये इस तरह से आपको दिखेगा। आपको क्या करना है, जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है वो सारे कोर्स की डिटेल्स जो यहाँ पे मेंशन की गई होंगी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे देखो जो भी जैसे मान लो MA इंग्लिश है तो यहाँ पे सारी चीज़ें उसकी डिटेल्स मेंशन की गई होगी कि इसके
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सीयूटी पेपर क्या है, और यहाँ पे कैटेगरीज मेंशन की गई है। अब कैटेगरी का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो कैटेगरी वन का मतलब है ये ओपन कैटेगरी है, कोई भी इसमें एडमिशन ले सकता है। कैटेगरी टू का मतलब क्या है कि इन कैटेगरी टू के अंदर सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेगा जिन्होंने डीयू से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, ठीक है। तो ये कैटेगरी में आपको कुछ यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, बस कैटेगरी वन के अंदर सभी को एडमिशन मिलेगा चाहे वो डीयू के हों या डीयू के बाहर के हों। कैटेगरी टू के अंदर सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेगा जिन्होंने डीयू से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, बस इतना ही डिफरेंस है, ये आपको ध्यान में रखना है। मेरिट बेस्ड एडमिशन जो है वो इस ईयर से आपके समाप्त कर दिए गए हैं। तो ये बात क्लियर होगी आपको। सबसे पहले आपको प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है, जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करो, और कोर्स उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको कौन सा टेस्ट पेपर देना है। तो जैसे यहाँ पे देखो एमए इंग्लिश के लिए आपको LAQP 01 देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जब आप CUET PG की वेबसाइट पर जाओगे और वहाँ पे आप टेस्ट पेपर सेलेक्ट करोगे, तो अगर आपको एमए इंग्लिश में एडमिशन लेना है तो आपको LAQP 01 वहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई। बाकी आपको सिलेबस वहाँ पे मिलेगा आपको, तो CUET.NTA.NIC.IN ये CUET PG की वेबसाइट है, इसके ऊपर आपका सिलेबस जो है अपलोड किया जाएगा। अभी सिलेबस अपलोड नहीं किया गया है, जैसे ही अपलोड किया जाएगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन जो है दे दूंगा अलग से, इसके ऊपर वीडियो में बना के ले आऊंगा। इसके अलावा अगर आपको ये जो प्रोस्पेक्टस है वो नहीं मिल रहा तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो, या फिर जो व्हाट्सएप ग्रुप है CUET PG का उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, उसको आप ज्वाइन कर लो। वहाँ पर जो प्रोस्पेक्टस है वो भी मैं शेयर कर दूंगा। इसके अलावा जो टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर भी प्रोस्पेक्टस मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसके अलावा कैंडिडेट्स हु आर अपेयरिंग इन द क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन मस्ट ऑल्सो एलिजिबल टू अपेयर इन CUET PG, हाउएवर दे मस्ट फुलफिल द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द यूनिवर्सिटी। यानी कि ये बात की गई है फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स की, ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जो फाइनल ईयर में हैं यानी कि क्वालिफाइंग डिग्री के एग्जामिनेशन दे रहे हैं वो भी CUET PG के लिए एलिजिबल हैं। बस आपको एडमिशन के टाइम पे आपकी जो डिग्री है वो आपको दिखानी पड़ेगी, यानी कि आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने सारे अपने जो ग्रेजुएशन है उसको कंप्लीट कर लिया, कोई पेपर आपका छूट नहीं गया है, कोई पेपर में आपकी ईआर या बैक वगैरह नहीं है। लेटर द यूनिवर्सिटी विल रिलीज एलोकेशन ऑफ द एडमिशन पॉलिसीज थ्रू द कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। कैंडिडेट डिजायरियस टू सीकिंग एडमिशन टू द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विल ऑल्सो हैव टू अप्लाई टू द CSASPG 2023 ऑन द एडमिशन पोर्टल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यानी कि अभी आप CUET PG का फॉर्म भर रहे हो, इसके बाद जो है DU में एडमिशन लेने के लिए आपको DU का एक अलग से फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं हम कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम या CSAS जिसको बोलते हैं, वो फॉर्म भी आपको फिल करना पड़ेगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको सीट का एलोकेशन किया जाएगा। तो जितने भी इन्फॉर्मेशन आपकी आएगी, जितने भी आपको काम करना होगा DU में एडमिशन लेने के लिए या CUET PG के थ्रू एग्जाम देने के लिए, सारे इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर दी जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपसे मिस ना हो जाए। तो ये सारे काम आपको करके रखने हैं, सारे इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल के ऊपर प्रोवाइड की जाएगी। इट इज़ ऑल्सो हियर बाई नोटिफाइड दैट द फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स एडमिशन टू द नॉन कॉलेजेड वुमेन एजुकेशन बोर्ड यानी कि NCVAB विल ऑल्सो बी बेस्ड ऑन द स्कोर ऑब्टेन इन द CUET PG 2023। यानी कि जो आपके NCVAB के एडमिशन होंगे वो अभी आपके CUET PG के स्कोर के बेसिस पे ही होंगे। इसके अलावा जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन द स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एंड द एडमिशन ऑफ फॉरन नेशनल विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेंड इन द क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड। यानी कि आपको जो SOL के एडमिशन है वो आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे होंगे, इसके अलावा जो फॉरन नेशनल्स के एडमिशन हैं वो भी उनके ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे ही होंगे। फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट रिलेटिव टू एडमिशन द कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द एडमिशन विजिट एडमिशन ऑफ द यूनिवर्सिटी रेगुलरली। यानी कि जो आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपकी जो एडमिशन वाली वेबसाइट है, एडमिशन वाली वेबसाइट कौन सी है, यही आपके admission.uod.ac.in, इसी वेबसाइट के ऊपर आपके सारे एडमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पब्लिश की जाएगी, ठीक है। तो इस वेबसाइट को आप विजिट करते रहें, या फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो आपको कोई जरूरत नहीं है, आप चैनल का भरोसा रह सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड की जाएगी। तो ये आपका प्रेस रिलीज था, बाकी ये आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, इसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ आपको किस तरह से चेक करना है। आप ऊपर से आओगे, इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देखने को मिलेगा, आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, ये सारी आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आपका कंटेंट दिया हुआ है क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मेंशन की गई। तो आपको सबसे पहले देखना है कि आपका कोर्स कौन सा है, तो इसके नीचे आप जाओगे तो आपको कोर्स की एक लिस्ट मिल जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई, रेगुलर और NCVAB के एडमिशन आपके CUET PG के थ्रू होंगे और SOL के एडमिशन आपके नॉर्मल मेरिट बेसिस पे होंगे यानी कि ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे होंगे। इसके नीचे जाओगे तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप चाहो तो पढ़ सकते हो। इसके बाद आप आओगे तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये यहाँ पे पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, आपको जिस कोर्स में एडमिशन लेना उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप चेक करो। उसके बाद आपको लिस्ट ऑफ प्रोग्राम मिल जाएंगे। अब जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मान लो आपको LLB में एडमिशन लेना है,
तो अब एलएलबी में एडमिशन लेने के लिए कुछ नहीं करना, आपको एलएलबी पर सर्च कर लेना है, जहाँ पे भी एलएलबी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने एलएलबी सर्च कर लिया, अब देखो जहाँ पे भी एलएलबी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो मेरे सामने आ जाएगी। जैसे यहाँ पे एलएलबी आ गया, अब यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। या तो आपने बैचलर किया हो यानी कि ग्रेजुएशन किया हो, या फिर आपने मास्टर्स किया हो, और मार्क्स की क्राइटेरिया क्या है आपके। अगर आप अनरिजर्व या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, ओबीसी सीडब्ल्यू या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से तो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, एससीएसटी कैटेगरी से तो आपके 40% मार्क्स होने चाहिए, और जो आपका सीयूईटी पेपर कोड है वो होगा COQP 11, और इसके नीचे आप जाओगे तो आपको जो सीट मैट्रिक्स है वो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे कैटेगरी टू में कोई सीट नहीं है, यानी कि जो डीयू के जिन स्टूडेंट ने डीयू से ग्रेजुएशन किया उनके लिए कोई अलग से सीट यहाँ पे नहीं है, सारी सीट्स जो है यहाँ पे ओपन है। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया हो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 3,000 के आसपास सीट्स हैं, तो ये आपको डिवाइडेड है। तो जैसे मान लो आपको बीएड के अंदर एडमिशन लेना है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बीएड जाके सर्च कर लेना है। बीएड जैसे सर्च करोगे आपके सामने बीएड की सारी इन्फॉर्मेशन जो खुल के आ जाएंगी, और आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये है बीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर है। इसके बाद आप जाओगे तो बाकी जो बीएड के कोर्सेज है वो भी आपके सामने खुल के आ जाएंगे। जैसे ये देख सकते हो आप बैचलर ऑफ एजुकेशन, ये आपके सामने आ जाएगा इस तरह से। अब इसमें आपको चेक करना है कि आपको कौन से पेपर देने हैं। तो यहाँ पे देखो मार्क्स का क्राइटेरिया तो वही है, या तो आपने बैचलर डिग्री की हो, या फिर आपने मास्टर्स की हो, या फिर इंजीनियरिंग वगैरह की हो, तो उसमें परसेंटेज यहाँ पे दी हुई है। अगर आप जनरल कैटेगरी से या फिर ओबीसी ईडब्ल्यूएस से तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, एससीएसटी कैटेगरी से तो आपके 45% मार्क्स होने चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। बाकी यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा टेस्ट पेपर आपको देना है। तो अगर आप साइंस से बीएड करना चाहते हो तो आपको COQP 07 देना है, इसी तरह से अगर आप मैथमेटिक्स से करना चाहते हो COQP 06 देना है, लैंग्वेज से करना चाहते हो COQP 05 का एग्जाम देना है आपको सीयूटी पीजी के अंदर, सोशल साइंसेज से करना चाहते हो COQP 04, इसके अलावा अगर कॉमर्स है पंजाबी उर्दू या फिर होम साइंस से करना चाहते हो आपको COQP 03 का पेपर कोड जो है सीयूटी पीजी में आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके नीचे आप जाओगे तो आपको जो सीट मैट्रिक्स है वो भी देखने को मिलेगी कि किस कॉलेज के अंदर किस ब्रांच में आपकी कितनी सीट्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर आपको कोर्स वाइज अलग से चाहिए कि हर कोर्स की मैं सारी डिटेल्स यहाँ पे शेयर करूँगी, किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है, सिलेबस क्या है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। जिस भी कोर्स के ऊपर आप ज़्यादा कमेंट करोगे उस कोर्स को मैं अलग से समझा दूंगा, चाहे वो एलएलबी हो, बीएड हो, या फिर किसी मास्टर्स का कोर्स हो, आपको एमए पॉलिटिकल साइंस करना हो, एमए इंग्लिश करना हो, या कोई भी और कोर्स करना हो, आप कमेंट सेक्शन में लिखें। उस कोर्स के ऊपर मैं डिटेल वीडियो लेके आ जाऊंगा कि उस कोर्स में क्या आपको पढ़ना है, किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है, किस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं, सिलेबस आपको कैसे देखना है, सिलेबस को किस तरह से प्रिपेयर करना है, बुक्स कौन सी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में समझा दूंगा, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन चैनल पर दी जाएगी, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेन बात यही है कि आपके जितने भी रेगुलर के कोर्सेज हैं पीजी के अंदर और जितने भी एनसीवेब के कोर्सेज हैं उन सभी के एडमिशन आपके सीयूटी पीजी के बेसिस पे होंगे, और जो एसएल के एडमिशन है वो आपके मेरिट बेसिस पे होंगे, यानी कि आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स पे होंगे। वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार, जो एसएल का वो ये देख सकते हो आप। प्रोस्पेक्टस के अंदर आप पेज नंबर 93 पे जाओगे तो आपको एसएल के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है द डिपार्टमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ऑफर द फॉलोइंग पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स फॉर द एकेडमिक सेशन 2023-2024, यानी कि ये 8 प्रोग्राम जो है एसएल के अंदर करवाए जाते हैं, एमए हिंदी, एमए हिस्ट्री, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए संस्कृत, एमकॉम, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एमबीए, इसके अलावा मास्टर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंसेज एंड बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंसेज, ये 8 कोर्सेज करवाए जाते हैं। एडमिशन इन द अबव प्रोग्राम्स आर बेस्ड ऑन द मेरिट स्कोर ऑब्टेन इन द क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन, यानी कि जो ग्रेजुएशन में आपके मार्क्स होंगे उसी मार्क्स के बेसिस पे आपको इन कोर्सेज के अंदर एडमिशन दिया जाएगा। जैसे मान लो एक तरह से सीधा मान लो कि मेरिट बेस है कि जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको एडमिशन मिलेगा, जिसके ज़्यादा परसेंटेज होंगे ग्रेजुएशन में उसको एडमिशन मिलेगा, जिसके कम परसेंटेज होंगे उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। और डिटेल इन्फॉर्मेशन हो जो भी आपके डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो आपकी एसएल की वेबसाइट पर अलग से पब्लिश की जाएगी। तो सीधी सी बात यह है कि अगर आपको एसएल में पीजी से एसएल से पीजी में एडमिशन लेना है तो आपको सीयूईटी पीजी का एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन थी, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से उनको ज्वाइन कर लो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड की जाएगी। और कोई आपकी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू।